हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट फॉर जूनियर। मैं सिंधु और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ प्लास्टिक क्रियोन्स पार्ट टू, जिसमें मैं बच्चों को बताऊँगी कि स्टैंडिंग लाइन्स में कैसे कलर करें और साथ ही साथ वो कैसे डिसाइड करें कि इस ड्रॉ में स्टैंडिंग लाइन्स में कलर होगा या कौन सी डायरेक्शन में कलर होगा, वो भी मैं उनको बताऊंगी। और मैं स्टार्टिंग में बच्चों को कौन सा बुक कलर करने के लिए दें वो भी बताऊंगी और बुक्स में कलर करना भी बताऊंगी। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है बताने के लिए, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। पार्ट वन में मैं बता चुकी हूँ स्लीपिंग लाइन्स में कलर करना, और बच्चा स्क्रिबलिंग ना करे उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ बताया था। और उसमें मैंने स्टार्टिंग में बच्चों को कौन से कलर देने चाहिए वो भी बताया था। तो इसलिए अगर आपने मेरा वीडियो वो नहीं देखा है, बेसिक कलर स्टेप प्लास्टिक क्रियोन्स पार्ट वन, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये वीडियो मुझे थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था, मैं लेट हो गई, सॉरी फॉर दैट। अब लेट नहीं करते हैं तो हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मैंगो बना के रखा है, अभी मैंगो का सीज़न है तो इसलिए मैंने मैंगो बनाया है फ्रूट्स में। और यहाँ और मैं कलर्स करूँगी ये प्लास्टिक क्रियोन्स, ये भी मैंने अपने वीडियो के पार्ट वन में काफ़ी डिटेल से बताया था। तो अभी मैं यहाँ पे प्लास्टिक क्रियोन्स ही करूँगी। तो हम लेते हैं इसका येलो कलर, हम यहाँ पे येलो कलर करना स्टार्ट करते हैं। ये हमको स्टैंडिंग लाइन में करना है तो हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चा छोटा है तो उसको ये डायरेक्ट कलर करना है, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा कलर्स करना सीख रहा है तो उसको ऐसे पहले आउटलाइन बनानी है, ऐसे आउटलाइन बनानी है स्लो स्लो करके, और फिर उसको कलर करना है। तो मैं यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग एज के बच्चों के लिए बता रही हूँ। इसको हम अगर ब्राइट करके भी करेंगे तो ये ब्राइट भी होगा, लाइट लाइट करेंगे ये लाइट लाइट भी होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क डार्क करके कर रही हूँ। अगर ये बाहर भी चला जाता है कलर तो हमें उसके लिए डरना नहीं है, क्योंकि ये इरेजेबल है, इजीली इरेज हो जाता है। हमको सिर्फ अभी ध्यान देना है कि कलर्स एक डायरेक्शन में होने चाहिए, कोई स्क्रबलिंग नहीं होनी चाहिए। हमें ये आउटलाइन बना के ज़्यादा अच्छा हो पाता है। ये बन गया हमारा मैंगो। अब मैं आपको एक और ये सिलेंडर शेप में कलर करके बताऊंगी। यहाँ पे हम लेंगे, हम कोई डार्क सा कलर लेते हैं, ब्राउन। ये भी हमको पूरा स्टैंडिंग करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
ये ऊपर से लिया नीचे तक, और हम इसको ये स्टैंडिंग में पूरा फिल करते हुए आगे आएंगे। लाइंस के पास आते थोड़ा हम केयरफुल हो जाएंगे, और फिर मिडल पार्ट हम फटाफट फटाफट करेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जहाँ जहाँ पे ये थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया है, वहाँ वहाँ पे हम वापस से एक सेकंड कॉट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं एक ऑरेंज कलर लूँगी, और ये करेंगे हम स्लीपिंग। ये देखिए, इसमें होगा स्लीपिंग कलर। ये देखिए, आप ये समझ ही गए हैं अब कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम स्लीपिंग लाइन की डायरेक्शन में करेंगे, और जो वर्टिकल है उसको हम स्टैंडिंग लाइंस में कलर करेंगे। अब मैं आपको बुक्स के ड्रॉज में कलर करना बताऊंगी। जो ये अभी मैंने फ्रूट्स एंड शेप का मैं कलर करके बताया है आपको, ये बुक्स में भी आते हैं। ये मार्केट में बुक्स इजी अवेलेबल हैं, पर आपको वहाँ पे क्या देखना है कि जैसे आप कोई ड्रॉज का बुक लेके आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉज नहीं होने चाहिए। मेरे पास ये बुक थोड़ी टेयर है, मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बुक ट्राई कलर का है, आप ये वाला बुक मार्केट से ले सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ा बिग साइज़ का ही ड्रॉ देना है, जो एक पेपर पे एक ही ड्रॉ हो, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में कलर करना सीख पाए स्टार्टिंग में। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए ड्रॉज। ये मेरे पास किसी बच्चे का ही रहा था, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। उसने बहुत स्क्रबल किया है, आप अभी कलर्स मत देखिए, सिर्फ ड्रॉज देखिए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, और यहाँ पे छोटा जो भी बना के दिखाया हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर है कि आपको कौन सी लाइंस में कैसे कलर करना है। तो इसलिए मुझे ये बुक्स बहुत पसंद है। बुक वन ट्राई कलर का बुक मुझे बहुत पसंद है, आप ये देख सकते हैं, ये अमेज़ोन पर भी हैं। फिर अब मैं आपको बताती हूँ बुक्स का बच्चा कैसे, बुक्स में जब हम उसको कोई ड्रॉ देते हैं, तो वो कैसे सीख पाए कि मुझे इसमें कैसे कलर करना है। देखिए, ये एक बहुत इजी ड्रॉ है। ये छोटी बुक है, पर आपको छोटा बुक लेना है तो छोटा लीजिए, आपको बड़ा बुक लेना है तो आप बड़ा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक बहुत इजी ड्रॉ है। इसमें स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग है, और ये फिर से स्लीपिंग है, ये फिर से, आप इसको स्लीपिंग भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, और ये एक स्लीपिंग है। तो बच्चा अब इसको कैसे समझे? तो स्टार्टिंग में आपको उसको थोड़ा मार्क लगा के देना होगा। जैसे यहाँ पे आपने उसको ये स्लीपिंग लाइन में एक मार्क लगा के दिखाया, फिर आपने यहाँ पे उसको एक स्टैंडिंग लाइन में मार्क लगा के दिखाया, फिर यहाँ पे ये स्लीपिंग लाइन्स में, ये वाला अगर आपको ये स्लीपिंग में करना है तो आप स्लीपिंग में लगा के दिखाइए, ये स्टैंडिंग में करना है तो स्टैंडिंग में, ये स्लीपिंग में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आपने ये स्लीपिंग में दिखाया, और ये तो स्लीपिंग में जाएगा ही। तो अब उसको ये लाइंस देखकर समझ आ जाएगा कि हाँ, मुझे ये स्लीपिंग में, स्टैंडिंग में, और ये सब में करना है। तो ये आप उसको 5-6 ड्रॉज कर ऐसा करके दीजिए, फिर उसको आदत हो जाएगी, हैबिट में आ जाएगा उसको ये डायरेक्शन में कलर करना। वो भी समझ पाएगा कि अच्छा, ये जो वर्टिकल में शे उस डायरेक्शन में है तो उसको वर्टिकल में कलर करना है, जो हॉरिजॉन्टल है तो वो उसको उसी डायरेक्शन में कलर करेगा। ये उसको करते करते प्रैक्टिस से ही आएगा। अब मैं आपको एक बुक में कलर करके बताती हूँ। ये देखिए, हम पहले बच्चों को इसमें मार्क लगा के देंगे,
ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, फिर ये स्लीपिंग लाइन, ये भी स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, और ये स्लीपिंग 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 स्लीपिंग, ये सेम स्लीपिंग स्लीपिंग में होगा। इस तरह से हमको बच्चों को स्टार्टिंग में मार्क लगा के देने हैं। और ध्यान रखिए कि एक ड्रॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हमें सेम कलर दिखाए हैं तो हम भी सेम कलर ही करेंगे। तो देखिए ये स्लीपिंग करना था, अब हम यहाँ पे थोड़ा केयरफुल करेंगे क्योंकि हमारा कलर बाहर भी नहीं जाना चाहिए और हमको एक ही डायरेक्शन में भी करना है। अभी मम्मा ने आपको मार्क लगा के दे दिया है तो अभी केयरफुल होके करना है। ये देखिए ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको अब बताती हूँ ये वाला बुक, ये भी ट्राई कलर का, ये देखिए ये ट्राई कलर पब्लिकेशन का ही है बुक और ये ट्विन वन है, कॉपी एंड कलरिंग। इसमें रेसिंग कार्स हैं और एक्सट्रीम मशीन्स हैं, जैसे ये कुछ इसमें रेसिंग कार्स हैं, ये सब कार्स हैं। ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए है जो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ये सब कलर करना जान गए हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपनी कलरिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये उनके लिए बुक है क्योंकि इसमें ड्रॉज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो बच्चों को ड्राइंग सिखाने में बहुत हेल्प करेगी, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।